स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे और उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने प्रूव दैट अ फर्स्ट पार्ट है कि कॉस 20 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 140 इक्वल टू 0। अब इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास है कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री। बेटा पहले स्टेप में आपने इसे अरेंज कर देना है और आप इसे लिखना है कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री और प्लस कॉस 100 डिग्री। अब बेटा आपने क्या करना है कि जो बाद वाली दो टर्म है कॉस 140 और कॉस 100, इस पे आपने फार्मूला लगा देना है ये वाला कि वी नो दैट जो सम टू प्रोडक्ट था ये कॉस कॉस पी प्लस कॉस क्यू ये बराबर होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और फिर कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। बेटा आपने ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो अब देखिए जब आप ये फार्मूला लगा देंगे, देखिए अब यहाँ पर जो पी है, पी आपके पास क्या है, ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्या है क्यू है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस 20 तो आ गया एज इट इज कॉस 20 डिग्री। अब फिर देखिए प्लस, अब ये कॉस 140 प्लस कॉस 100 2 कॉस पी आपके पास है 140, तो ये प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 और फिर कॉस पी माइनस क्यू 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा कॉस 20 डिग्री प्लस 2 कॉस 140 प्लस 100 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और ये कॉस 140 माइनस 100 40 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा देखिए कैंसिल कर देते हैं, ये 2 120 आपके पास आ जाएगा और ये 220 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 20 डिग्री और प्लस 2 कॉस 120 डिग्री और ये कॉस 20 डिग्री। अब बेटा आपको याद होगा कि जो कॉस 120 होता है ना, कि वी नो दैट कॉस 120 डिग्री ये होता है -1/2। आपको याद होगा कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है माइनस में होता है, ये 0 ये 90 डिग्री ये 180। यहाँ पे सेकेंड में किसे पे होता है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो 120 यहाँ पर आएगा तो 120 यहाँ पर -1/2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा कॉस 20 डिग्री प्लस 2 और ये कॉस 120 देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2 और फिर ये कॉस 20 डिग्री। अब बेटा देखिए ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 20 डिग्री और प्लस माइनस माइनस कॉस 20 डिग्री। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो बेटा ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बेटा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पे फार्मूला कॉस पी प्लस कॉस क्यूब का लगाना है, ठीक है। अब देखिए हैं सेकेंड, इसका ना सेकेंड पार्ट, पार्ट 2। देखा पार्ट 2 बेटा, देखिए ये आपके पास है कि साइन 5/4 माइनस थीटा इंटू साइन 5/4 प्लस थीटा और आपने इक्वल टू प्रूव ये करना है 1/2 cos 2 θ। बेटा ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 5/4 माइनस थीटा और ये साइन 5/4
थीटा। अच्छा अब बेटा यहाँ फार्मूला हमने लगाना है, आपको याद होगा प्रोडक्ट टू सम। इसमें फार्मूला आपको याद होगा कि ये फार्मूला था कि वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा ये होता है -1/2, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटा ये होता है फॉर्मूला आपके पास है साइन अल्फा माइनस बीटा का, -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बेटा तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बेटा देखिए जब हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, मैं देख लूँ दोबारा। ठीक है ये। अब बेटा देखिए जब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखें ये आपके पास पूरा जो है ना, ये आपके पास पूरा अल्फा है, ये पूरा आपके पास बीटा है। ठीक है बेटा अब देखिए जब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अब ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और कॉस अल्फा, अल्फा पूरा π/4 माइनस थीटा है, और प्लस बीटा, बीटा आपके पास π/4 प्लस थीटा है। ठीक है फिर देखिए माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा आपके पास है π/4 माइनस थीटा, ठीक है, और फिर देखिए माइनस बीटा, देखिए आपके पास क्या है π/4 और प्लस थीटा। अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2, और अब बेटा देखें ये थीटा से थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस π/4 प्लस π/4, देखिए π/4 होता है 45 डिग्री, क्या होता है 40, π/4 आपको याद है क्या होता है 45 डिग्री होता है, ये भी 45, तो 45 और 45 90, 90 को हम करते हैं π/2, ये आपके पास आपके माइनस कॉस बेटा देखिए π/4 माइनस थीटा, और ये -π/4 और ये प्लस माइनस माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है अब बेटा यहाँ पर देखिए ये प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, और देखिए कॉस π/2 90 होता है 0, ठीक है, और ये माइनस कॉस माइनस थीटा माइनस थीटा -2 थीटा, ये भी आपने याद रखना है कि वी नो दैट कॉस π/2 90 क्या होता है 0 होता है, और दूसरा आपको याद हो कॉस के एंगल में नेगेटिव साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस थीटा। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1/2 और ये -cos 2 थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, एवरीथिंग हैज प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो बेटा आपको यानी कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे से यानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज मुझे कर देंगे सर मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है अब बेटा इसका है पार्ट 3, देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि sin θ प्लस sin 3 θ प्लस sin 5 θ प्लस sin 7 θ और अपॉन cos θ
कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा। और प्रूव आपने करना है टेंजेंट 4 थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, इसमें भी आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा। अच्छा बेटा देखिए, पहले स्टेप में आप इसे अरेंज कर देना। अरेंज हम कैसे करेंगे देखें, कि पहले स्टेप में हम इसे कर देंगे कि देखिए जो साइन साइन 7 थीटा और प्लस साइन थीटा ये हम एक साथ अरेंज कर देंगे, और प्लस ये साइन 5 थीटा ये साइन 3 थीटा एक साथ कर देंगे, ठीक है, ये हमने एक साथ अरेंज कर दिया। और अपॉन अब यहाँ पर यही कर देंगे कॉस 7 थीटा और प्लस कॉस थीटा एक साथ अरेंज कर दिया, और प्लस यहाँ पे हम कर देंगे कॉस 5 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा। अच्छा बेटा देखिए, ऊपर जो हम फार्मूला लगाएंगे ना, ऊपर फार्मूला लगाएंगे कॉस साइन साइन पी प्लस साइन क्यू। वी नो दैट आपको याद होगा कि साइन पी प्लस साइन क्यू जो सम टू प्रोडक्ट होता था, ये होता है साइन पी प्लस क्यू होता है टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू और कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। यहाँ पर ये लगाएंगे और डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे फार्मूला कॉस पी प्लस कॉस क्यू का, ये होता है टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू और कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। बेटा ये हमें दो फार्मूले लगाने, ठीक है, न्यूमरेटर में भी ये दो फार्मूले लगेंगे और डिनोमिनेटर में भी ये दो, न्यूमरेटर में साइन पी प्लस साइन क्यू का और डिनोमिनेटर में कॉस पी प्लस कॉस क्यू का। अब बेटा देखिए यहाँ पे अब आपके पास देखें, ये आपके पास क्या है, ये पी है ये क्यू है, ये पी है ये तो ऐसा, यहाँ पर ये पी है ये क्यू है, ये पी और ये क्यू है। अब देखिए जब हम इसमें अप्लाई करेंगे देखें, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए टू साइन पी, पी आपके पास क्या है 7 थीटा है और क्यू आपके पास क्या है थीटा ओवर, और फिर कॉस पी 7 थीटा माइनस थीटा ओवर फिर प्लस। अब यहाँ पर लगाएंगे साइन, यहाँ पर भी साइन पी प्लस साइन क्यू का ही फार्मूला, ये आ जाएगा देखिए टू साइन पी आपका 5 थीटा है और क्यू हमारे पास क्या है थीटा 3 थीटा सॉरी क्या है 3 थीटा। और यहाँ पर कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा होगा, माइनस 3 थीटा। अब आइए आप डिनोमिनेटर में, तो बेटा देखिए डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, ये आपके पास डिनोमिनेटर है देखिए, यहाँ पर कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो देखिए टू कॉस पी हमारे पास देखिए क्या है टू कॉस पी हमारे पास 7 थीटा है और क्यू हमारे पास थीटा ओवर टू, यहाँ पर भी कॉस 7 थीटा माइनस थीटा ओवर टू, तो देखिए प्लस। अब यहाँ पर भी कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो टू कॉस 5 थीटा प्लस
थ्री थीटा ओवर टू, और यहाँ पर कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब बेटा सिंप्लीफाई करना आपने सिंपल, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाय टू। यहाँ पर देखिए कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा 6 थीटा है, फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बाय, यहाँ पर कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा हो। अब आ जाए फोन पे, देखिए ये भी 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा होगा टू, और ये cos 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा होगा, और प्लस देखिए 2 cos ये भी 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बाय टू, और फिर ये cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा होगा। अब बेटा देखिए जो कैंसिलेशन है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए 2 अंदर 2 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 2 कैंसिल, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 2 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया देखिए 2 sin 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में बेटा देखा जाएगा 2 cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा और प्लस 2 cos 4 थीटा इंटू cos थीटा। अब बेटा देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और साथ में sin 4 थीटा आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखें, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे देखिए 2 और साथ में sin 4 थीटा, ये हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा cos 3 थीटा और प्लस cos थीटा, डिनोमिनेटर में भी आप कॉमन ले लेंगे देखिए 2 और साथ में क्या आ जाएगा cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ठीक है। तो 2 cos 4 थीटा, अब यहाँ बच जाएगा देखिए cos 3 थीटा और यहाँ पर cos थीटा। अब बेटा देखिए cos 3 थीटा और cos 3 थीटा प्लस cos थीटा डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया कैंसिल, ही आ गया हुआ है ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। तो बेटा आपको याद है कि साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट थीटा, ये एंगल पूरा 4 थीटा और टेंजेंट 4 थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं हेंस रूट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका रिजल्ट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप मेरे साथ रहे। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।